बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अक्सर ड्रामों में ये सीन देखा होता है कि आपको एक सदमा पहुंचता है, कोई बैड न्यूज़ मिलती है, और खुसूसन जो एजड लोग होते हैं वो फ़ौरन ही उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है या ऐसी कोई और कम्प्लिकेशन सामने आती है और वो गिर जाते हैं। तो ये अक्सर ही हमने मूवीज़ में या ड्रामों में देखा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या जो बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे ग्रीफ है, बहुत ज़्यादा किसी आपके क्लोज़ रिलेटिव की डेथ हो जाती है या आपके लव वन की डेथ हो जाती है या कुछ और ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो क्या ऐसा हो सकता है या हो जाता है या इंसान की डेथ इससे हो सकती है? तो इसका आंसर है बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये जो स्ट्रॉन्ग किस्म के इमोशंस होते हैं, इनकी एक अलग सा मैकेनिज्म होता है जिसके ज़रिए ये हार्ट हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम इस कैफियत को कहते हैं कि आपका दिल जो है वो टूट जाता है किसी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन की वजह से। नॉर्मली तो हार्ट अटैक जब होता है तो उस सूरत में जो आपकी आर्टरी होती है, जो कि ब्लड सप्लाई कर रही होती है आपके हार्ट को, उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाती है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो हार्ट को नहीं पहुंच पाता और हार्ट की सेल डेथ होती है और इस तरह से हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस सूरत में ऐसा क्या होता है कि जो है एक सडन हार्ट अरेस्ट होना शुरू हो जाता है या हार्ट फेलियर हो जाता है? तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होता है। कई साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और जो मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म इसका होता वो ये है कि जैसे ही आप एक सडन जो है एक ऐसी इमोशनल कैफियत में जाते हैं तो उस सूरत में हारमोन जो है वो बॉडी में रिलीज़ होते हैं और उन हारमोन्स की वजह से जो आर्टरीज होती हैं उसमें स्पैम आ जाता है। जिस तरह से मस्कुलर स्पैम, आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो आपकी लेग में या आपके जो है बाजू में जो है वो एक क्रैम्प आ जाता है या मस्कुलर स्पैम आ जाता है, इसी तरह से आर्टरीज में भी स्पैम आ जाता है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो पहुंच नहीं पाता और उसके बाद जो है एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है जिसे जैसे कि हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर होता है। नॉर्मली ये होता है कि जैसे ही ये मस्कुलर स्पैम होता है ये थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद जो जब ये मस्कुलर स्पैम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो है ब्लड फ्लो उसी तरह से होना शुरू हो जाता है और उसके बाद बंदा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल। और अक्सर आपने यही कैफियत जो है वो मुख्तलिफ ड्रामों में और मूवीज़ में देखते हैं कि सडन जो है वो बंदा गिर जाता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ये ऐसी ये मुमकिन है कि ऐसा हो जाए और सम टाइम ऐसी कैफियत में इवन डेथ भी हो जाती है, तो इस क्वाइट पॉसिबल। दूसरी जो है जो अक्सर डिस्कशन होती है कि क्या जो डिप्रेशन है उसकी वजह से भी कुछ ऐसी कैफियत हो जाती है, क्या हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करता है? तो इसका जवाब भी हाँ है, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से भी हार्मोनल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से हार्ट हेल्थ जो होती है वो अफेक्ट होती है। और ऐसे लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं उनमें हार्ट डिजीज़ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और इसके वाइस वर्सा भी होता है कि हार्ट डिजीज़ की वजह से भी डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। एक और क्वेश्चन अक्सर जो है पूछा जाता है कि क्या जो है एंकर की वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो अफेक्ट होता है या हार्ट हेल्थ जो अफेक्ट होती है? तो इसका आंसर भी येस है, क्योंकि एंगर की कैफियत में ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए। इसलिए आप हेल्थ ऐसे लोगों को जो मुख्तलिफ इमोशनल जो स्ट्रॉन्ग किस्म की इमोशनल कैफियत में से गुजर रहे होते हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ऐसी कैफियत में ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।